हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द इंडियन हाउसवाइफ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्लपूल 10.5 केजी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। अगर आप भी वर्लपूल की ये वॉशिंग मशीन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है अपना 6 महीने का रिव्यू एक्सपीरियंस, प्लस एक छोटा सा डेमो देने की कोशिश की है, जिससे आपको पता चल सके इस वॉशिंग मशीन में क्या क्या ऑप्शंस एंड फीचर्स अवेलेबल हैं। तो चलिए इसके साथ ही शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी इस वॉशिंग मशीन के डिज़ाइन के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मशीन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। आपको मशीन की बॉडी ब्लैक कलर फिनिशिंग में मिलती है। इस मशीन में आपको मिलते हैं 4 टायर्स एंड 2 हैंडल्स ऑन बोथ द साइड फॉर इजी मूवेबिलिटी। साथ ही साथ आपको इस वॉशिंग मशीन पे मिलती है पूरे 10 साल की वारंटी, जो कि काफ़ी सही है। प्लस आपको इस मशीन में मिलती है 5-स्टार पावर सेविंग रेटिंग। चलिए अब इसके साथ ही बात करते हैं इस मशीन के वॉशिंग सेक्शन की। इस मशीन में आपको मिलता है 10.5 kg का वॉशिंग सेक्शन, जिसमें आप एक साथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एप्रल्स को वॉश कर सकते हैं। इस मशीन का ड्रायर भी काफ़ी अच्छा है। इस मशीन के ड्रायर में आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है, जिसमें आप एक साथ काफ़ी सारे कपड़ों को ड्रायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मशीन में दिए गए 4 बटन्स की। मशीन में सबसे पहला बटन आपको मिलेगा फैब्रिक टाइप सेलेक्ट करने के लिए, दूसरा बटन है वॉशिंग टाइमर, तीसरा बटन है मोड सेलेक्टर, जिसमें आप डिफरेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हीटर, ड्रायर और नॉर्मल वॉश सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथा बटन है आपका टाइमर का, जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि आप ड्राइंग कितने टाइम के लिए करना चाहते हो। तो ये था मशीन का एक छोटा सा रिव्यू, जिसमें हमने बात करी डिज़ाइन, लुक एंड मशीन के कुछ फीचर्स के बारे में। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है इस मशीन के साथ पिछले 6 महीनों में। और अगर आपको भी ये मशीन पसंद आई हो तो आप इसको ईजिली बाय कर सकते हैं नीचे दिए गए अमेज़न के लिंक से। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अमेज़न से ख़रीदने से आपको मशीन अच्छी नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये मशीन खुद अमेज़न से बाय किया है और मुझे किसी भी तरीके की दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ा। ये एक काफ़ी अच्छी मशीन है और अगर आपको ये मशीन पसंद आई हो तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें। चलिए इसके साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।